तो गाइस करते हैं आगे के व्लॉग की शुरुआत। मतलब कल जो है मैंने सिर्फ चाय टाइम तक का जो है सुबह की चाय तक का एक छोटू सा 2 मिनट का व्लॉग बनाया था। उसके बाद आए थे मेरे नए ईयरफोन, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी व्लॉग करें। लेकिन उससे पहले मैंने बिल्कुल प्लेट भर के ना भूखड़ों के जैसे जो है वो फ्रूट्स खाए, और वो खाने के बाद मेरा पेट जो है एकदम बढ़िया वाला फुल हो गया था। और यहाँ पे आए हैं मेरे नए ईयरफोन, मतलब ये मेरी लाइफ के सबसे महंगे ईयरफोन है, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो 1500 रुपये वाले 1500 कह रही हूँ 100 रुपये वाले ईयरफोन में अपनी ज़िंदगी निकाल दे, और वो भी एक साल चल जाते हैं मेरे अच्छे खासे। तो अभी मुझे थोड़ा कंटेंट वगैरह शूट करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने ये वाले जो है ईयरफोन मंगवाए। बहुत कॉस्टली नहीं है, 1500 रुपये के हैं, बोट के हैं, और फीचर्स मुझे नहीं पता, क्योंकि बस मुझे एक चीज़ चाहिए होती है कि आगे इसमें ना रबड़ नहीं चाहिए होती, वो जो कान को ब्लॉक कर देते हैं ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मेरे पास बहुत ही पर्टिकुलर ऑप्शन थे ऑर्डर करने के लिए, ज़्यादा कुछ खास थे नहीं, बट ये वाले मुझे बहुत क्लासी और बहुत सुंदर से लगे, तो मैंने सोचा यार यही वाले ऑर्डर कर लेते हैं। और कंपनी भी अच्छी खासी है, पहले भी यूज़ किए हुए हैं, विक्की भी यूज़ करते हैं इसी ब्रांड के, तो ये मैंने ऑर्डर किया। यहाँ पे मेरा चुटका मुटका चीकू आ चुका है स्कूल से, यहाँ पे खा रही है वो आइसक्रीम। स्कूल जाने की रिश्वत होती है ये, मतलब जब भी वो स्कूल से आती है उसको कुछ ना कुछ उसके पसंद का चाहिए होता है। यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और अपना सौंदर्य आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ठीक है, मजाक था। तो नहा के मैं हो चुकी हूँ रेडी, और उसके बाद मैंने भूखड़ों के जैसे खाया था फ्रूट्स, और मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन लालच, मेरी माँ ने बनाया आज हलवा, तो मेरा मन कर गया कि चलो थोड़ा सा हलवा खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने कटोरी भर के हलवा खाने के लिए मैं जा ही रही थी, उससे पहले आ गया मेरा एक और पार्सल, सेकंड पार्सल, जिसकी अनबॉक्सिंग मेरा लाल कर रहा था, और उसमें मेरे शैम्पू थे, कुछ खास नहीं था। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपने लिए हलवा, जो मेरी माँ ने बनाया था दुनिया भर के ड्राई फ्रूट डाल के, और इट वॉज ऑसम ऑसम, मतलब बर्थडे पे नेक्स्ट बर्थडे तारीफ नहीं कर सकती, बहुत ही ज़्यादा बेहतर। पापा जी जाए लोगे आप? ओके, हाँ मम्मी। और यहाँ पे हो चुका है शाम की चाय का टाइम। मैंने पापा से पूछा पापा चाय लोगे, पापा थे ऊपर छत पे, और ये बरुष्का को मैं खिला रही हूँ ब्रेड विद सॉस, सॉस उसकी फेवरेट है, तीनों टाइम आप उसे सॉस खिला दूँ सुबह शाम रात को, मना नहीं करेंगे। और अभी तो खाई आपने, साइड वाले कॉर्नर होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं सूखे, तो उन्हें मैं ख़त्म कर रही हूँ। आने के बाद खाई थी ना आपने? जो पिज्ज़ा के साइड वाले जो कॉर्नर होते हैं ना वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कौन कौन मेरे जैसा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय एंजॉय। शाम को यहाँ पे चल रहा है पापा बेटी का तैयार, दोनों पापा बेटी जो है वो मिले हैं 6-7 घंटे के बाद, तो इनका भरत मिलाप चल रहा है। और यहाँ पे हो गई हमारी चक्का चक वाली डांस क्लास शुरू, हाय चक्का चक, एंड कोरियोग्राफर है हमारे विकी तोमर, और उनको असिस्ट कर रही हैं वरुष्का तोमर यहाँ पर, तो दोनों पापा बेटी लगे हुए हैं हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं वाले डांस पे डांस करने के लिए। और यहाँ पे रोज़ होता है ऐसे, तो ये शाम की हमारी डांस क्लास हो रही है। उसके बाद लेट्स गो फॉर डिनर, कि मैंने डिनर में क्या खा बनाया अपने लिए। तो मैं आजकल रात को रोटी नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ बॉयल्ड दाल खाती हूँ या फिर खिचड़ी खाती हूँ। तो जैसे 2-3 दिन हो जाते हैं मुझे बॉयल्ड दाल खाते हुए, तो मैं खिचड़ी पे चली जाती हूँ। खिचड़ी को 2-3 दिन हो जाते हैं तो फिर मैं दोबारा दाल खाना शुरू कर देती हूँ, और ये मुझे बहुत ही मतलब यम लगता है, ऐसा नहीं है कि फीका फीका लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दाल के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और देसी घी डाला, एंड दैट्स इट, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। साइड में बन रहा है विकी का व्रत वाला खाना, सामकिया के चावल, और ये है आलू की सब्जी। तो वो सामकिया के चावल और आलू की सब्जी है आज फास्ट वाले खाने में। और यहाँ पर ये है मेरा खाना जो कि है बॉयल्ड दाल, और सुबह का लेफ्ट ओवर थोड़ा सा हलवा बचा हुआ था वो वाला, और मैंने सोचा था मैं सारा ख़त्म कर दूंगी, लेकिन अभी भी इसमें से सिर्फ मैं 2-3 बाइट ले पाई, इतना हैवी हो गया था कि मुझे छोड़ना पड़ा। इसको मैं शायद नेक्स्ट डे खा लूँगी, क्या बिगड़ता है यार, कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मिंत्रा पे कुछ टी शर्ट में ना ऑफर दिखा रहा था कि लिवाई का और टी शर्ट था और उसका जो ऑन स्क्रीन प्राइस था वो कुछ कम था और जो फिर अब उसको ओपन कर रहे थे तो वो ज़्यादा दिखा रहा था, मतलब 400-500 रुपए ज़्यादा। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे ऐसा क्यों है, एंड फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि वो इसलिए क्योंकि साइज़ बड़ा था, तो साइज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने रेट में हमारे साथ धोखाधड़ी कही हुई थी कि साइज़ बड़ा लोगे तो हम प्राइस ज़्यादा लेंगे। सो गाइस करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म, डिनर हो चुका है सबका एंड दिस इज़ व्हाट आई ईट इन अ डे और टाइप ऑफ व्लॉग। और हाँ, मैं थोड़ी सी कैमरा कॉन्शियस हो रही हूँ और बहुत टाइम बाद जो है, मतलब इट फील्स लाइक, पता नहीं, शायद मैंने दोबारा से अपनी यूट्यूब जर्नी जो है वो स्टार्ट की है। एंड आई होप आप लोगों को ये छोटू सा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है और इस टाइप के व्लॉग आप और देखना चाहते हो देन प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना एंड वेलकम बैक करना मेरा यूट्यूब पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।